प्रायोजित फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। काजल की कोठरी में रहने वाला काला होता है, ये कहना था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जिसके जवाब में आज कांग्रेस पार्टी के रीवा जिले के प्रभारी प्रताप भानु शर्मा ने उनके गृह मंत्री पर उंगली उठा दी। उन्होंने कहा, अपने गृह मंत्री की बात करें, उन्होंने ऐसा कौन सा काम नहीं किया, उनके कामों को याद करिए और फिर बताइए कांग्रेस पर आरोप क्यों लगा रहे हो आप। जेपी नड्डा रीवा में लगभग 1.5 दिन रहे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए सीमावर्ती इलाके में जमकर प्रचार प्रसार किया। उसके बाद रात्रि विश्राम रीवा में करने के बाद आज इलाहाबाद की ओर रवाना हो गए हेलीकॉप्टर से। वहीं कांग्रेस कार्यालय में आज प्रताप भानु शर्मा ने कुछ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए लोगों को सदस्यता दिलाई। वहीं कुछ नए पदाधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सभी भाजपा छोड़कर जो कांग्रेस जिन्होंने आज ज्वाइन की है, हम हृदय से कांग्रेस परिवार की ओर से और हमारे मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं कांग्रेस पार्टी में। और निश्चित रूप से एक बदलाव की बयार हम पूरे विंध्य में देख रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हैं और रीवा में तो अब ऐसा लग रहा है कि इस बार पूरा सिस्टम ही उलट जाएगा। जीत 8 की 8 विधानसभा में कांग्रेस को जीत हासिल होगी, अच्छे प्रत्याशियों को टिकट मिला है। हम देख रहे हैं पूरी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जाने का प्रयास है हमारा। लोग बड़ी ताकत से चुनाव में लड़ रहे हैं और जीतने का चुनाव लड़ रहे हैं, खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं, ये भी हमने देखा है। और सबसे जोरदार चुनाव तो सिरमौर में हो रहा है। ये एकमात्र हमारे राम गरीब आदिवासी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जनरल सीट पर कांग्रेस ने टिकट दिया है। उनका समाज भी बहुत प्रभावित है और पूरे क्षेत्र में उसका बहुत असर है, पूरे जिले में बहुत असर है। और उनके साथ कार्यकर्ता जो हमारा मंडलम सेक्टर पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता है, ऐसा जुट गया है जैसे वो चुनाव स्वयं लड़ रहा हो। ये एक संगठन का बड़ा काम मध्य प्रदेश में हुआ है कमलनाथ जी के नेतृत्व में। पूरे मध्य प्रदेश में हम कोई भोपाल में बैठकर, रीवा में बैठकर या सतना में बैठकर चुनाव नहीं लड़ रहे। हमारी जो लड़ाई है आज की तारीख में पोलिंग बूथ पर है। मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार, सरकारी तंत्र पर, प्रशासन पर चुनाव लड़ना चाहती है। उनका हस्तक्षेप हर जगह, पीपीपी कमलनाथ जी कहते हैं, पैसा, पुलिस और प्रशासन, इनके दम पर चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता जनार्दन की मदद से उनके आशीर्वाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने देखा है पूरे बिंदी में घूमकर, पूरे क्षेत्र में जाकर, सरकार अब बदलना चाहते हैं, उब गए। हम कहते हैं ना, रोटी यदि नहीं बदलोगे तो जल जाएगी। वही गांव का आदमी आज गांव का किसान इस बात को कह रहा है, गांव का गरीब इस बात को कह रहा है। और इस बार का वोट चेंज फॉर गवर्नमेंट होगा, चेंज पर भ्रष्टाचार होगा, चेंज फॉर भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, जो एमएलए भ्रष्ट हो गए उनके लिए वोट जनता का जाएगा। ईमानदार प्रशासन चाहते हैं, ईमानदार सरकार चाहते हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में। और जो पहले धोखा हुआ, अब इस बार होने वाला नहीं है। 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह रीवा में, कल दिन भर लगभग 1.5 दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रीवा में,
उन्होंने अपने भाषण में कहा कांग्रेस काजल की कोठरी, जो कांग्रेस में आएगा वो काला ही। जो काजल की कोठरी से निकला हो, जिला बदल रहा हो, भगोड़ा रहा हो, उसके मुंह से ये शब्द अच्छे लगते हैं क्या? गृह मंत्री बनने के पहले कैसे उनका चरित्र क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, वो तो आप अध्ययन कर लो। जिला बदल कौन था, फरार कौन था, जेल में कौन बंद था, किन किन मुकदमों में थे, हत्याओं के मुकदमे में, उनको इससे ज्यादा सोच है नहीं उन व्यक्तियों का या उस पार्टी का, उस पर हम क्या कमेंट करें। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।